Hello everyone, it's me Shamia Choudhury, your chemistry teacher. Today I will take your class on the topic of hydrogen. Okay, before starting this chapter we should know about hydrogen. Okay, first fact is what hydrogen, it is the third most abundant element here on the surface of globe. ठीक है, पूरे सरफेस ऑफ ग्लोब में इट इज द पोजिशन क्या है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है. ठीक है, एंड इट यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स में इट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है. ठीक है, एंड और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हाइड्रोजन का, वो क्या है, एक फ्यूचर क्या होगा, उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाएगा हाइड्रोजन को. ठीक है, कंसिडर एज फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, इन फ्यूचर में क्या होगा, हाइड्रोजन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाएगा. नेक्स्ट क्या है, इन बिफोर 17th सेंचुरी. ठीक है, इन बिफोर 17th सेंचुरी का बात यहाँ पे हो रहा है. क्या हुआ था बिफोर 17th सेंचुरी में, वाटर वॉज कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट. ठीक है, वाटर को एज एन एलिमेंट कंसिडर किया गया था. ठीक है, लेकिन वाटर इट इज मेड बाय बर्निंग हाइड्रोजन. ठीक है, वाटर क्या होता है, एक्चुअली हाइड्रोजन को बर्न करने से वाटर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो व्हिच डिस्कार्डेड द आइडियाज ऑफ वाटर कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट, मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एलिमेंट वाटर इट इज़ नॉट एन एलिमेंट. ठीक है, वो जो आइडिया है उसको मतलब डिस्कार्ड किया है. ठीक है, व्हिच डिस्कार्डेड द आइडिया ऑफ वाटर कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट, क्योंकि क्या होता है, जो वाटर है H2O, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, बाई बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो इन द ईयर 1783 साइंटिस्ट का नाम क्या है, एंटोनी लेवोसियर. ठीक है, हु डिस्कवर दैट वाटर इज कंपाउंड एंड मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. उन्होंने ये डिस्कवर किया था, जो वाटर है वो क्या है, एक कंपाउंड है, एंड वो कैसे फॉर्म होता है, बाई ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से वो क्या होता है, फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई इट इज एन कंपाउंड. ठीक है, हु डिस्कवर दिस, एंटोनी लेवोसियर. ठीक है, डिस्कवर दैट वाटर इट इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज एन कंपाउंड. ठीक है, तो इन ग्रीक वर्ड हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रो मीन्स क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर, एंड जिन मतलब क्या है, प्रोड्यूसर. ठीक है, मतलब हाइड्रोजन इट इज वाटर प्रोड्यूसर. ठीक है, सो वी कैन से दैट वाटर इट इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज ए कंपाउंड. एंड हु डिस्कवर दिस कॉन्सेप्ट, एंटोनी लेवोसियर. ठीक है, तो बिफोर 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, वाटर को एज एन एलिमेंट कंसिडर किया गया था, लेकिन आफ्टर 17th सेंचुरी मीन्स एंटोनी लेवोसियर को डिस्कवर दैट नहीं, वाटर एलिमेंट नहीं है, वो कंपाउंड है, क्योंकि वाटर वो कैसे फॉर्म होता है, बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन के बारे में कोई कुछ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको पता होना चाहिए. जैसे थ्रू आउट पीरियोडिक टेबल, इफ़ यू सर्च एन एलिमेंट विदाउट न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट वेयर इज न्यूट्रॉन इज एब्सेंट. ओके, पीरियोडिक टेबल में क्या है, 118 बहुत सारे एलिमेंट है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई एलिमेंट तुमको नहीं मिलेगा जिसके पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, वो ऐसे वन एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, वन है, एंड उसका मास नंबर भी वन है. ठीक है, तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द न्यूट्रॉन नंबर, वी ऑल नो न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू व्हाट, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. इन केस ऑफ हाइड्रोजन व्हाट इज द मास नंबर, मास नंबर इट इज वन माइनस क्या है, उसका एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या है, वन है, तो वन माइनस वन इट विल बी जीरो. लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है, सबके पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन ऐसे वन एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है. मतलब हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट वेयर इज न्यूट्रॉन इज एब्सेंट, जहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है. ठीक है, तो ये और एक इम्पॉर्टेंट मतलब हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए. ठीक है, और क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन का क्या है, बोथ टेंडेंसी है, मतलब इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इट हैज़ टू वे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन और इट कैन डोनेट वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऐसे भी हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर वन है. ठीक है, एंड उसके जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो क्या है, वन है. ठीक है, तो अभी उसका टेंडेंसी क्या होगा, इट कैन रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन, इट कैन डोनेट इट वन इलेक्ट्रॉन और इट कैन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है,
तो इफ इट कैन डोनेट, इफ इट्स डोनेट वन इलेक्ट्रॉन, जिस उसके पास वन इलेक्ट्रॉन था, अभी सपोज मान लो उसने क्या किया है, उसका वन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ठीक है, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू एच प्लस आयन. Okay, whenever it can donate one electron, then what happen? It will be changes to H plus ion. Okay, and H plus, what is the name of this H plus? It is what? Proton. Okay, and it is there is one positive charge, means it is cation, and it is known as proton. Okay, and when hydrogen is accept one electron, then what happen? उसके पास वन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से था, अभी वन इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड किया है, एक्सेप्ट किया है उसने, देन इट विल बी कैरी व्हाट, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मींस इट विल बी कैरी नेगेटिव चार्ज. ओके, मींस इट विल बी एच माइनस, इट विल बी कन्वर्टेड टू एच माइनस, एंड द नेम ऑफ दिस इज व्हाट, हाइड्राइड. ठीक है, तो हाइड्रोजन का बोथ कैपेबिलिटी है, ठीक है, means it can donate one electron or it can accept one electron. Whenever it can donate one electron, then what happen? It will be converted to proton, and when it accept one electron, then it will be converted to hydride. Okay, it has both tendency. Next kya hai, since hydrogen resembles both alkali metals and halogens, so we say hydrogen resembles both group 1 and group 17. Okay, now where to place hydrogen in periodic table, jaise ye to modern periodic table hai, theek hai, so this is what group 1 and this is what group 2 and this is 13, then this is 13, this is what 14, then 15, then 16, then 17 and then 18, theek hai. ओके, तो अभी क्या है, ये जो हाइड्रोजन है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रुप वन के साथ भी मैच होता है, एंड हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रुप 17 के साथ भी मैच होता है. ठीक है, तो अभी कोई भी एक एलिमेंट है ऐसा जो हाइड्रोजन है, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रुप वन के साथ भी मैच होता है एंड ग्रुप 17 के साथ भी उसका प्रॉपर्टी मैच होता है. ठीक है, तो अभी उसको कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, अगर हमने ग्रुप वन यहाँ पे उसको प्लेस कर दिया लेकिन उसका प्रॉपर्टी तो ग्रुप 17 के साथ मैच होता है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा. सपोज मान लो उसको हमने 17 यहाँ पे रख दिया लेकिन उसका प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से भी मैच होता है, तो ये तो सही नहीं होगा. दैट्स वाई ये मिडिल में रखा है. ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑलवेज प्लेस्ड इन मिडिल ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, दिस इज द रीजन. ये क्वेश्चन आ सकता है, मीन्स हाइड्रोजन को क्यों मिडिल में, उसका पोजिशन वाई इट इज प्लेस्ड इन मिडिल ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आंसर इट विल बी वॉट, बिकॉज हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड ग्रुप वन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन विथ ग्रुप 17 एलिमेंट इट इज सेम. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड ग्रुप वन एलिमेंट आर सेम, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 17 एलिमेंट आर सेम. ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टी 1 से भी मैच होता है, 17 से भी मैच होता है, दैट्स वाई उसको कहाँ पे रखा है, मिडिल में रखा है. ठीक है, एंड यू ऑल नो ग्रुप 1 एलिमेंट इट इज नोन एज एल्काली मेटल, ग्रुप 2 एलिमेंट इट इज नोन एज एल्कालाइन आर्ट मेटल, एंड ग्रुप 17 इट इज व्हाट, हैलोजन एलिमेंट. ओके, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी एल्काली मेटल के साथ भी मैच हो रहा है, हैलोजन के साथ भी मैच हो रहा है, that's why you can place hydrogen in middle of the modern periodic table. Is it clear to all of you? Okay, in this diagram, in this periodic table, you can see that place separately in the modern periodic table. Hydrogen ko kaha pe rakha hai, as a separate place mein nahi, wo group 1 ka bhi nahi hai, group 17 ke upar bhi nahi hai, uska position kaha pe hai, separate hai. Theek hai, kyun separate hai, उसका रीजन मैंने अभी बताया, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के साथ भी मैच होता है एंड ग्रुप 17 के साथ भी मैच होता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स प्लेस्ड इन मिडिल ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो ये तो उसका रीजन तुमको पता चल गया.
तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये तो मैंने बता दिया है हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के साथ मैच होता है, ग्रुप 17 के साथ मैच होता है, दैट्स व्हाई वी प्लेस्ड हाइड्रोजन इन सेपरेटली इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन अभी तो क्वेश्चन हो सकता है ना मैम, ऐसे कौन सा प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन एंड एल्काली मेटल के साथ मैच होता है एंड हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 17 का प्रॉपर्टी मैच होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी जो रिसेम्बल्स है हाइड्रोजन एंड एल्काली मेटल एंड हाइड्रोजन विथ हैलोजन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा। तो आज मैंने जो डिस्कस किया है अगर उसमें कुछ डाउट है तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।